वेलकम टू चैनल अर्चना फैशन डिज़ाइनिंग। आज हम सीखने वाले हैं मिरर वर्क। लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो इसके लिए आपको लेना है मिरर दिस साइज़, या तो फिर बड़ा साइज़ का ले सकते हो आप, कॉइन्स के साइज़ का। उसे क्या करो, गम से यहाँ पे स्टिक करना है वेर एवर आपको चाहिए डिज़ाइन। देन नीडल एंड थ्रेड हम ले रहे हैं। सो जस्ट मिरर के सेंटर से थोड़ा सा साइड में मैं एक ऐसा स्टिच ले रही हूँ। अगेन उसी के साइड में थोड़ा सा गैप रख के अगेन हमें ऊपर निकालना है नीडल। स्ट्रेट पैरेलल हमें यहाँ पे नीचे इंसर्ट करना है नीडल को। ऑलराइट, ओके। नाउ ये हो गए वर्टिकल स्टिचेस। अभी हॉरिजॉन्टल स्टिच हमें लेना है। सो सेंटर, ये साइड का सेंटर, ओके सी। सो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल भी हमें करना है, तो यहाँ पे मैं आ गई ऑलमोस्ट सेंटर के थोड़ा सा साइड में। अब ये जो फर्स्ट लाइन जा रहा है उसके नीचे से मैंने नीडल को निकाला है। ऐसे निकालना है आपको, रिवर्स लॉकिंग करना है। यहाँ पे भी मैं लॉक कर रही हूँ एंड देन आगे अब उसे स्ट्रेट इंसर्ट करो। ये एक अगेन सेम उसी के साइड में सी रिवर्स जाना है और फिर से रिवर्स जाना है। सो ये जब करते हो तो यू सेट लाइक दिस, ठीक है। और अब यहाँ पे लास्ट में हमें इसे नीचे इंसर्ट करना है नीडल को। सो दिस इज द बेस। अब ओके सी, ये बेस बना के हो गया है। सो नाउ यहाँ पे हमें नीडल को ऊपर निकालना है ऐसे, और फिर जो बटन होल स्टिच करते हैं उसके जैसे। सो इट मीन्स कि क्या है, आपको यहाँ पे इसके अंदर से नीडल निकालना है, फैब्रिक में उसे इंसर्ट करना है कपड़े में, और फिर ये जो थ्रेड है नीडल के नीचे से आपको लेना है ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। अब यही स्टेप आपको कंटिन्यू करना है। सी बटन होल स्टिच जो है एम्ब्रॉयडरी में हम जो सीखते हैं वही हमें यहाँ पे कंटिन्यू करते रहना है। नीडल के नीचे से हमें थ्रेड मूव करना है इन अ राउंड डायरेक्शन। सी इसी वे से आपको क्या करना है, ये बटन होल स्टिचेस हम जैसे कर रहे हैं, सो यू हैव टू कंटिन्यू टिल द एंड। स्टार्टिंग में आपको ऐसे लगता है कि जो हमने बेस बनाया वो फिसल रहा है, सो वैसे ही होता है, स्लिप होता है थोड़ा सा, लेकिन हमने बहुत सेंटर से किया था तो वो मिरर लॉक हो जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मिरर को गम से चिपका लेना है कपड़े पे। सो थोड़ा सा वो स्टिक होता है तो उसकी वजह से मिरर हिलता नहीं है। जब आपका प्रैक्टिस नहीं है तो उसे स्टिक कर लो। ओके, सी इन दिस वे स्टार्ट टू एंड हमने ये बना लिया है एंड द नाउ फिनिश। आगे यहाँ पे गैप नहीं रखना है, सो जो पहले का स्टिच है उसके यहाँ पे ऐसे आपको इसे इंसर्ट करना है। सो हियर यू कैन सी, ओके सी यहाँ पे हमने नीडल को अंदर पीछे साइड लिया हुआ है एंड द लास्ट इज नॉटिंग। सो नॉट के लिए आपको क्या करना है, पहले का आगे पीछे जो भी एक स्टिच है उसके यहाँ से या कपड़े के अंदर से नीडल को निकाल लो एंड देन यहाँ पे एक ऐसे नॉट लेना है, ठीक है, और फिर उसे सीजर से कट करना है। सो दिस इज़ द मिरर वर्क। ओके, सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल, मोस्टली यूज़ इन द गुजराती गारमेंट्स में ये यूज़ होता है। एंड मिरर वर्क जो होते हैं इट इज़ आल्सो यूज इन इंडो वेस्टर्न वेयर्स। सो आप जब इंडो वेस्टर्न वेयर डिज़ाइन करते हो, लाइक अ जीन्स है या उस पर चोली बना रहे हो, सो ट्राई मिरर वर्क। मिरर वर्क्स बहुत प्यारे लगते हैं। यू डू द प्रैक्टिस एंड मेक योर ओन डिज़ाइंस। थैंक यू।